न्यूज वॉल इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। वाराणसी में कोरोना महामारी को लेकर बनाई गई वैक्सीन से हो रही साइड इफेक्ट को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में दाखिल इस याचिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उसके चेयरमैन सीईओ एस्ट्रोजन कंपनी और उसके चेयरपर्सन समेत 28 लोगों को विपक्षी बनाया गया है। आपको बता दें कि अदालत ने इस मामले के लिए गठित अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट रिक्त होने के चलते प्रकरण वाद के रूप में दर्ज करने का आदेश देते हुए मामले की सुनवाई के लिए अगली तिथि 23 मई नियत कर दी है। दरअसल युवा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और अधिवक्ता विकास सिंह ने अपने अधिवक्ता गोपाल कृष्ण के जरिए कोर्ट में मानव अधिकार अधिनियम 1993 के तहत प्रार्थना पत्र दिया। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीरम इंस्टीट्यूट कंपनी, उसके चेयरमैन सीईओ एस्ट्राजेनेक कंपनी, उसके चेयरमैन समेत 28 विपक्षियों ने आपस में मिलीभगत करते हुए बिना किसी परीक्षण के कोविड सीरम शील्ड नामक दवा बनाकर लोगों को भय दिखाकर कोरोना वैक्सीन बताकर लोगों को जबरन लगवाया है और उससे लाभ अर्जित किया है। मिशन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की चुनावी जनसभा में हजारों की भीड़ जुटी। सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए। शहर के डाक बंगला मैदान में जनसभा आयोजित की गई थी। ट्रांसपोर्टर पर हेल्पर का काम करने वाले व्यक्ति की नोएडा में एक्सीडेंट में मौत के बाद परिजनों ने अलीगढ़ में रामघाट रोड पर शव रखकर जाम किया। मृतक के परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर जाम लगाकर काफी देर तक हंगामा किया। मृतक के परिजनों का आरोप है कि पप्पू ट्रांसपोर्ट पर हेल्पर का काम किया करता था। मृतक नोएडा में एक्सीडेंट में हुई हेल्पर की मौत। परिजनों का आरोप ट्रांसपोर्ट के मालिक और पुलिस के द्वारा काफी देर तक गुमराह किया गया। रामघाट रोड स्थित कुमार नर्सिंग होम की सामने सड़क पर शव रखकर 2 घंटे तक जाम लगा दिया। पुलिस प्रशासन ने बमुश्किल समझाकर जाम को खुलवाया। दिल्ली, जयपुर और लखनऊ की तरह अब कानपुर के भी 10 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी मिलने से क्षेत्र छात्रों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि कानपुर पुलिस कमिश्नर को मिली सूचना फिर मामले की जांच में कानपुर पुलिस जुटी है। कानपुर में लगभग 10 स्कूलों को मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। कानपुर में निजामाबाद के सनातन धर्म स्कूल और बर्रा में KDM के स्कूल समेत कानपुर के 10 स्कूलों को ये धमकी दी गई। देर रात बम स्क्वाड के साथ स्कूलों की चेकिंग कराई गई। सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से स्कूलों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। उत्तरकाशी में जाम के हालात और यात्रा व्यवस्थाओं को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंकते हुए जमकर नारेबाजी की। जिला मुख्यालय के हनुमान चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए पहुंचे, जहां सभी ने यात्रा व्यवस्थाओं पर पैदा हुए हालात पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रशासन के खिलाफ आक्रोश भी जताया। आज जो हमने ये पुतला दहन किया है, ये हमने जो उत्तराखंड की वर्तमान सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसकी पूरी नाकामयाबी है। ये जो यात्रा जो हमारी पूरे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और जिस तरीके से ये लोग उस व्यवस्था को संभाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार का ध्यान ही नहीं रहा इस पर। इसके दो कारण है। एक तो जो उत्तराखंड सरकार है, जिन्होंने सारी व्यवस्थाएं कर ली थी, पंजीकरण वगैरह जो जिस तरीके से उन्होंने किए और अनियंत्रित यात्रा को कर दिया, सीधा सीधा दोष जो है इसमें धामी सरकार को जाता है। उसके बाद जो जिला प्रशासन है यहाँ पे, खबर गोंडा से, जहां केसरगंज से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा लगातार अपने बेटे करण भूषण सिंह के लिए केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर लोगों से संपर्क कर करण भूषण सिंह के पक्ष में मतदान करने की अपील की जा रही है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र के कई जगहों पर कार्यकर्ता बैठाकर लोगों से करण भूषण सिंह के समर्थन में मतदान करने की अपील की गई। भारत में चल रहे लोकसभा चुनाव में वोटों के ध्रुवीकरण को लेकर काफी चर्चा चल रही है। इसी बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुसलमानों के प्रति अपनी लगाव को जाहिर किया। उनकी सोच और फिक्र पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने प्रेस को जारी एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक निजी न्यूज चैनल पर इंटरव्यू के दौरान प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात रखते हुए कहा कि उन्होंने कभी हिंदू मुसलमान के बीच कुछ भेदभाव नहीं किया। मौला ने कहा कि प्रधानमंत्री की मुसलमानों के प्रति ये सोच उनको बाकी सभी नेताओं से अलग बनाती है। ये तो जग जाहिर है कि प्रधानमंत्री देश में एकता पसंद करते हैं। हमारा संविधान भी यही कहता है कि देश में एकता, अखंडता, भाईचारा कायम रहेगा, तभी देश का विकास संभव हो सकेगा। एकता में ही शक्ति है, क्योंकि प्रधानमंत्री मुस्लिम समुदाय से अपने आप को जोड़कर देखना चाहते हैं। तो हम भी चाहिए कि हम उनके मन की बात का सम्मान करते हुए उनके प्रति सकारात्मक रुख अपनाएं। लोकसभा का चुनाव चल रहा है और गहमागहमी है, इसी दरमियान प्रधानमंत्री ने एक चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि मैं मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं रहा हूं और इस्लाम के खिलाफ मैंने कभी नहीं बोला और मैं इस्लाम मजहब का सम्मान करता हूं। और कल बनारस में उन्होंने अपना नॉमिनेशन कराने के बाद ये बात कही कि मेरे मुसलमानों से अच्छे रिश्ते हैं, मेरा घर के आसपास में मुसलमान रहते हैं, ईद की सवैयां मेरे घर आती हैं और मुहर्रम के जब ताजिए निकलते हैं तो उस ताजियों के नीचे मैं बच्चेवान की मौत के मामले में गिरफ्तारी और त्वरित जांच की मांग को लेकर परिजनों ने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर गिरफ्तारी और त्वरित जांच की मांग की है।
मृतक बच्ची युवान के पिता सुखजिंदर पुंडेर समाज के लोगों के साथ पुलिस लाइन पहुंचे, जहां पर उन्होंने एसएसपी को प्रार्थना पत्र देकर गिरफ्तारी और जांच की मांग की। एसएसपी को दिए प्रार्थना पत्र में बताया गया कि डॉक्टर जितेंद्र शुक्ल बाल रोग विशेषज्ञ कोर्ट रोड सहारनपुर के अस्पताल में 7 अक्टूबर 2023 को बच्ची युवान की मृत्यु हुई थी। डॉक्टर जितेंद्र चुग और उनके कंपाउंडर धर्मवीर की लापरवाही गलत इलाज के कारण मौत हुई थी। माननीय न्यायालय द्वारा धर्मवीर की जमानत खारिज कर दी गई। निवेदन है कि कंपाउंडर धर्मवीर की गिरफ्तारी करवाने की कार्रवाई तुरंत करवाने का कष्ट करें। देर रात शिवाजी नगर स्थित एक मकान के स्टोर रूम में भीषण आग लग गई। आग के लपटों को देखकर गृहस्वामी और उसका परिवार दहशत में आ गया। घटना की सूचना तत्काल फायर ब्रिगेड को दी गई। सूचना पर पहुंचे फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। इस दौरान गृहस्वामी ने पड़ोसी पर पुराने विवाद को लेकर घटना करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जानकारी के मुताबिक नवाबाद थाना क्षेत्र की शिवाजी नगर निवासी बेबी कुशवाहा पत्नी प्रदीप ने बताया कि वो देर रात अपने परिवार के साथ घर के कमरे में सो रही थी, तभी घर के बगल में बने स्टोर रूम में भीषण आग लग गई। झांसी के सिपरी बाजार क्षेत्र में आगजनी की बड़ी घटना होने से पूरे इलाके में भगदड़ का माहौल बना रहा। आग इतनी भयानक थी कि हर कोई भागने को मजबूर हो रहा था। इस आगजनी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। सिपरी बाजार थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप के सामने बाहर चौराहे के समीप स्थित जनरल स्टोरों की लगातार दुकानें भरी हुई थी, जहां सैकड़ों लोग लगातार आते जाते रहे। बुधवार की दोपहर अचानक हरी बाजार के पीछे बनी जनरल स्टोर के शुरू में आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि धीरे धीरे आसपास बनी जनरल स्टोर और किराना स्टोरों की दुकान तक पहुंच गई। आग के लपटों को देख वहां भगदड़ मच गई। आनंद फानंद में घटना की सूचना मिलती पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब परिवारों पर रहम करते हुए निर्धन परिवारों के पक्ष में भरे सदन से सभी जिलाधिकारी को सख्त निर्देश दिए हैं कि किसी भी गरीब परिवारों का घर नहीं उजाड़ेंगे, और अगर सरकारी जमीन पर किसी गरीब का मकान बना भी है तो उसको गिराने से पहले परिवार को सुरक्षित जगह उसको घर की व्यवस्था की जाए, उसके बाद गरीब की झोपड़ी तोड़ दी जाए। मगर कानपुर के झक्करकट्टी के पास बनी मलिन बस्ती निवासी दर्जनों लोगों ने न्याय की गुहार लगाते हुए ज्ञापन कानपुर जिलाधिकारी को देते हुए बस्ती के लोगों ने बताया कि टाकबिल चौराहे पर स्थित झक्करकट्टी बस स्टॉप पर बनी बस्ती में करीब 50 परिवार रहते हैं, जिसमें महिलाएं बच्चे भी हैं। पास में ही तालाब है, जिसमें सुंदरीकरण के नाम पर पूरी बस्ती उजाड़ दी गई है, और चुनाव के समय सभी नेता आते हैं, झूठा आश्वासन देते हैं कि बस्ती नहीं उजाड़ी जाएगी, और अगर जरूरत होती है तो पहले सभी को घर मिलेगा, उसके बाद कुछ भी हो, लेकिन हमको बेघर किया जा रहा है। और हम लोगों ने कई बार कानपुर जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस्ती जिले के परशुरामपुर थाने के रायपुर गाँव के पास भीषण सड़क हादसे में 3 साधुओं की दर्दनाक मौत हो गई। साधु संत 84 कोस परिक्रमा कर मखौड़ा के से वापस लौट रहे थे, इसी दौरान पिकअप की चपेट में आ गए। गंभीर हालत में उन्हें अयोध्या में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जनपद बस्ती में थाना परशुरामपुर क्षेत्र में आज कुछ श्रद्धालु पैदल जा रहे थे, उसमें उन्हीं के ग्रुप का एक पिकअप पीछे चल रहा था, जिसमें भी श्रद्धालु लोग बैठे थे। उसका ड्राइवर नींद के कारण टक्कर मार दी। जो श्रद्धालु आगे पैदल चल रहे थे उनको चोट लग गई, उसमें पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां पर बाद में उनको मृत घोषित कर दिया गया है। ड्राइवर और गाड़ी को सीज कर लिया गया है। लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। मृतक रहने वाले महाराजगंज और अयोध्या के बताए जा रहे हैं। परिवारजनों से संपर्क करके आगे की कार्रवाई प्रचलित। बलरामपुर में गर्जे सपा सुप्रीमो अखिलेश, केंद्र प्रदेश सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। अखिलेश ने मंच से किया आह्वान, बोले पहले का नारा था रोटी कपड़ा और मकान, वो तो अभी है जरूरी, लेकिन अब संविधान बचाना जरूरी। भाजपा की सरकार को इसलिए बदलना है क्योंकि इस बार अगर इस सत्ता में आ गए तो संविधान को भी बदल देंगे। सभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव केंद्र सरकार पर किसानों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगाया। बोले ये वही सरकार जो किसानों के लिए काले कानून लाती है। सरकार है जिसने शासनकाल में किसान पर थार गाड़ी चढ़ाई थी। ये वही सरकार है जो किसानों की यूरिया चोरी करती है और उसे नैनो यूरिया से बदलती है। योगी आदित्यनाथ पर बोलते उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हटाना ना होता तो वो कन्नौज में मेरे पूजा करने के बाद भाजपाइयों से मंदिर ना धुलवाते। अखिलेश ने कहा कि जो अरविंद केजरीवाल ने कहा वो शत प्रतिशत होने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी 4 चरणों के चुनाव के बाद साफ हो गया है कि भाजपा जा रही है। सीएससी पर पड़े मिले सैकड़ों आयुष्मान कार्ड। जी हाँ, सीएससी पर पड़े मिले आयुष्मान कार्डों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, आयुष्मान कार्डों का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। स्वास्थ्यकर्मियों की बड़ी लापरवाही चर्चा का विषय बनी। कासगंज जिले के गंजद्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का एक पूरा मामला। गाजियाबाद क्राइम ब्रांच पुलिस कमिश्नरेट ने शेयर टेंडरिंग के नाम पर ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 5 मोबाइल, 4 चेकबुक, 3 एटीएम कार्ड, 1 पैन कार्ड, 1 आधार कार्ड, 1 वोटर आईडी कार्ड और 1 मोहर के साथ गिरफ्तार किया। एडीसीपी क्राइम ब्रांच गाजियाबाद सचिनानंद ने बताया कि बीते 14 मार्च से 3 अप्रैल के मध्य पीड़ित कुशल पाल द्वारा 70 लाख रुपए शेयर टेंडिंग में कुछ लोगों के बहकावे में आकर लगाए गए, जिस पर कार्रवाई करते हुए 10 अकाउंट की जांच की गई, जिसमें से 29,57,000 रुपए पकड़ में आने के बाद जांच के दौरान अकाउंट में 6.5 करोड़ की ट्रांजेक्शन सामने आई है।
बलरामपुर जिले में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने पहुंचकर गैसेंडी विधानसभा में बूथ अध्यक्ष सम्मेलन में कार्यकर्ता जनसभा को संबोधित किया। बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस घोटाले की सरकार रही है, वहीं सपा शासन में अपराधियों गुंडा माफियाओं को संरक्षण था, भाजपा में कानून का शासन है। खेत से होकर गुजर रही निजी बिजली की लाइन की चपेट में आने से एक छात्रा की मौत। आक्रोशित परिजनों ने ग्रामीणों के साथ बिजली विभाग के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी। छात्रा की मौत के बाद परिवार में कोहराम है। अपने मिर्च के खेत में घास लेने गई थी छात्रा, तभी हुआ हादसा। निजी लाइन काफी नीचे होने को लेकर ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी रहा। कलयुगी चाची ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर 5 साल की बच्ची को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने हत्या की घटना का सफल अनावरण कर कलयुगी चाची और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। जी हाँ, ये गागलहेड़ी थाने क्षेत्र में जो 5 वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या की गई थी, इसका पूरा घटनाक्रम इस प्रकार था कि 12 मई को ये बच्ची सुबह आखिरी बार 10:30 बजे 11 बजे इसके जो भाई बहन है वो देखते हैं इसको, माँ बाप इसके वहाँ पे होते नहीं है गांव में, और उसके बाद से ये बच्ची कहीं दिखती नहीं है। जब परिवारजन इसको ढूंढ लेते हैं अपने स्तर पर, उसके बाद से जब ये लड़की नहीं मिलती है तो 12 तारीख को रात को गागलहेड़ी थाने में आते हैं। इनकी तहरीर पर 363 का मुकदमा दर्ज होता है और पुलिस भी इनको और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।